हेलो गाइस, वर ब्रिज बॉय द्रागटा जी, तो कैसे हैं आप सब यार। आई नो यू आर लुकिंग एट माय न्यू टी शर्ट, इट इज नॉट माय ऑफिशियल मर्च, बट यार समबडी गिफ्टेड मी दिस। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय योर साइज विच गोज बाय द नेम स्वैग वियर 01। इनका कहीं पे यूजर नेम आ रहा होगा, जाके इनको फॉलो कर देना यार, और इनसे आप ले सकते हो ऐसी कूल कूल टी शर्ट्स। नॉट दैट द्रागटा जी टी शर्ट, बट इनसे आप ले सकते हो बहुत ही कस्टम प्रिंटेड टी शर्ट्स एंड प्रीमियम क्वालिटी टी शर्ट्स है। मैं खुद पहन रहा हूँ एंड आई एम वेयरिंग एंड आई एम एंजॉइंग दिस एक्सपीरियंस। तो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी यूनिक है। आज की वीडियो में हम शिमला की लड़कियों से पूछेंगे कि वो लड़कों में क्या क्या देखती है। आई नो तुम्हारे दिल में भी लड्डू फूट रहे, तुम भी चाह रहे हो कि तुम भी सुनोगे लड़कियाँ क्या देखती है। तो गाइज एंड तक देखना इस वीडियो को। आज का लाइक टारगेट हम रखते हैं 100 नहीं यार, 100 तो बहुत कम हो जाएंगे, 1000 लाइक्स। आई नो आप सब कर दोगे यार, आप सब बहुत प्यारे हो, तो 1000 लाइक्स कर देना, लास्ट तक देखना, शेयर करना इस वीडियो को। एंड चलते हैं, लड़कियों से पूछते हैं कि लड़कियां क्या देखती है लड़कों में, उनको कैसे लड़के पसंद है और क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लड़के में। तो चलते हैं। अच्छा तो यार ये बताओ, एक लड़की को लड़कों में क्या पसंद होता है? लड़की को उसका नेचर अच्छा होना चाहिए। मतलब कहाँ से वो नेचर कहाँ दिखता है उसके, या माथे पे या फिर उसकी जीन्स के अंदर, कहाँ दिखता है नेचर, कहाँ दिखता है लड़के का? नेचर मीन्स गुड लुकिंग होना चाहिए सबसे पहले तो। गुड लुकिंग क्यों होना चाहिए, मतलब तुमने क्या करवाना है उससे, मतलब गुड लुकिंग क्यों? कराना तो कुछ नहीं है, जचना भी चाहिए साथ में खड़ा। अच्छा, जचना चाहिए साथ में, और क्या होना चाहिए? चलो मान लेते हैं कि बंदा गुड लुकिंग हो, उसके बाद क्या? उसके बाद उसका नेचर अच्छा होना चाहिए, गुड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड का होना चाहिए। स्टैंडर्ड क्या होता, स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब स्टैंडर्ड का कैसे होना चाहिए? साथ में पढ़ता हो, क्लासमेट टाइप्स, वैसे स्टैंडर्ड होना चाहिए थोड़ा। हाई फाई कैसे होता है लड़के, मतलब जिनकी यहाँ से जीन्स कटी होती है, मतलब कैसी? वो भी नहीं, मतलब तुम्हें, तुम्हारे सबसे हाई फाई स्टैंडर्ड क्या होता है लड़के का? अच्छा लुकिंग होना चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए बंदे की। अच्छा लुकिंग होना चाहिए और पर्सनालिटी होनी चाहिए। ओह माय गॉड। अच्छा और कुछ? अच्छा पैसे मैटर करते हैं? नहीं, पैसे इतने मैटर नहीं करते। ठीक है, मतलब तुम मेरा लोन चुका दोगे ना सारे, जो मेरे सर पे लोन है। अच्छा तो आप क्या देखते हो लड़के में सबसे पहले, क्या देखते हो? सेम पर्सनालिटी, पर्सनालिटी सबसे पहले, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग कैसे होते हैं लड़के, मतलब उनको समझ आनी चाहिए आपकी भाषा। आप कौन सी भाषा, कौन कौन सी भाषाएं बोल लेती हैं आप? अरे जैसे नॉर्मल। अच्छा वैसा अंडरस्टैंडिंग, वो मेरे को लगा कि इनकी भाषा में ऐसे करके बोलते हैं ना लड़कियां जल्दी जल्दी कुछ। और क्या होना चाहिए? और हैंडसम भी होना चाहिए। हैंडपम्प, अच्छा सॉरी हैंडसम, हैंडसम होना चाहिए। हैंडसम का क्या चार्ट डालना, मतलब देखो जो ब्यूटी होती है ना, ओव्यो है, जिसको नहीं पता उनको ऑब्वियसली बोलते हैं इसको ओव्यो। अच्छा अच्छा कर रहे हैं एब्रिवेशन यूज। अच्छा तो मान लेते हैं कि बंदा हैंडसम नहीं है बट वो बहुत केयर करता है आपकी, बट तो भी अच्छा है, तो भी अच्छा है, पर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी तो पर्सनैलिटी देना, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो एक लड़की एक लड़के में क्या देखती है सबसे पहले? सबसे पहले लड़के को सबसे पहले रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए लड़की की। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लड़के को, इन द सेंस हर्ट से, हर्ट से रिस्पेक्ट। बोल बोल, हेलो कर कर रहा है वो, कर रहा है ना, देखो उनको सुनाई भी देगा, देखा प्यार, ये हार्ट टू हार्ट तुम नहीं समझोगे यार, तुम सब ऐसी। अच्छा और चलो फिर रिस्पेक्ट, उसके सेकंड चीज बंदे में, बंदे मतलब बंदा ऐसा हो कि जो ट्रस्टफुल हो। फिर ट्रस्टफुल हो, ट्रस्टफुल कैसा होता है इंसान, मतलब तुम उसके पास अपनी सोने की चेन छोड़ के जाओ और बंदा आपको वैसे ही पकड़ा दे। बंदा मेरे को प्लैटिनम की बना के दे। किसकी बना के दे? नहीं इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, अरे खड़े रहो ना, भागना नहीं यार। अच्छा कि प्लैटिनम की बना के दे। अच्छा उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है प्लैटिनम का? भूल गई अच्छा प्लैटिनम की स्पेलिंग बोल दो। क्यों? मतलब लड़कियों को चाहिए प्लैटिनम, ठीक है ना, इनको स्पेलिंग पता है, साइंस स्टूडेंट है, साइंस स्टूडेंट है, और इनको ये भी नहीं पता टॉपिक नंबर क्या है। गुड, नहीं वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं, वो क्या है? वो कुछ नहीं है। अच्छा तो क्वेश्चन है कि लड़कियां लड़कों में क्या देखती है सबसे पहले, लड़कों में क्या देखती है? हाँ मतलब जब भी वो उनको प्रपोज करते हैं या फिर वो किसी को चेकआउट करती है लड़की, सबसे पहले क्या देखती है लड़के में? पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए, कैसी? अच्छी, गच एकदम मस्त, गच मतलब गच, ये गच कैसे होती है पर्सनैलिटी, इसका मतलब मस्त एकदम, मतलब मस्त माल, रापचिक माल होना चाहिए बंदा है। गच ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी, कैसी? ऐसी ऐसी होती है गच। हाँ तो
फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम है. अच्छा तो ये बताओ कि अब कोई तुम्हें प्रपोज कर रहा है, मान लो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तो उसके बाद तुम क्या देखोगे उसमें सबसे पहले? नीचे वो कहाँ दिखता है, मतलब यहाँ लिखा होता है कहीं पे कि बंदे का नीचे, यहाँ जान पहचान के, मतलब नहीं जानते तुम यार, तुम मेरे को नहीं जानते, चलो मैं प्रपोज कर रहा हूँ, फिर तुम क्या देखोगे? मतलब लड़कियों को पता नहीं नेचर क्या है, बट इनको नेचर अच्छा चाहिए, लड़कों में नेचर अच्छा चाहिए, मतलब नहीं आपकी बैंड नहीं, मैं बजा रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब नेचर क्या चीज है? बजाओ आप. नहीं नहीं बजाओ, परमिशन देखो क्या नेचर, क्या नेचर, क्या है कैसा नेचर, मतलब इधर दिखो ना कैमरे में, दिखो पीछे क्यों छुप रही हो, जैसे बात करने का. अब आप बोल रहे गूंगा बहरा है वो, मेरे गूंगा बहरा छोड़ो, मतलब नेचर कैसे देखते हो तुम एक लड़की का, बात करने का ढंग से, बात करने का, बात करके पता लगता है. चलो उसका नेचर भी अच्छा है, ठीक है. और अगला क्या देखते हो लड़कों में? अगला केयरिंग, केयरिंग होना चाहिए, मतलब केयरिंग कैसे, केयरिंग कैसे, मतलब मतलब वो बाबू दर्द तो नहीं हो रहा आपको पैरों में? बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल वैसे ही चाहिए, मतलब केयरिंग ऐसा तो नहीं चाहिए. कैसा केयरिंग होता है? केयरिंग ऐसा होता है कि बंदी को प्यार दे, प्यार करे, उसको प्यार दे, प्यार बंदी को प्यार दे, प्यार कैसे, प्यार से रखे, प्यार से कायम रखे पिंजरे में? प्यार से रखे क्या मतलब, बंदी की कुत्ती है यार, प्यार से कहाँ रखना, क्या ये नहीं होता, रखना कैसे, मतलब अपने साथ रहे रखे और प्यार से रखे. अच्छा मतलब बंदे का अगर बैंक बैलेंस अच्छा ना हो तो भी चलेगा? हाँ चलेगा, चलेगा, दिल अच्छा होना चाहिए, मतलब वो बंदा गरीब हो, मेरे पास फुटी कौड़ी ना हो, फिर भी मतलब चलेगा, चलेगा, प्यार देना वाले, प्यार चाहिए, ये प्यार चाहिए, इधर देखो इनकी चकले देखो, ऐसी लड़कियाँ इनको प्यार चाहिए, चलेगा, बस प्यार चाहिए. अच्छा ओके नेक्स्ट नेक्स्ट. अच्छा क्या बात, अरे आइसक्रीम पिघल रही तुम्हारी, बड़े हॉट है ये, कुछ ज्यादा ही हॉट है, इनकी आइसक्रीम पिघल रही है. इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. अच्छा तो एक लड़की एक लड़के में क्या देखती है? मैं लड़कों को देखती होमोस. मतलब कुछ ऐसा कुछ, मतलब कि कुछ इधर आओ, थोड़ा जेनेटिकल कुछ प्रॉब्लम है क्या, मतलब तुम लड़कों को नहीं देखते, फिर क्या प्रॉब्लम है? मैं कुछ भी नहीं देखती, मतलब कुछ भी नहीं देखती. How good looking होना चाहिए, बस good looking होना चाहिए सिर्फ, और कुछ भी नहीं की तरह. देख रहे हो सख्ती, देखो यार वैसे मैं बहुत सख्त लौंडा हूँ यार, रिया में पिघल गया यार. मतलब गुड लुकिंग होना चाहिए, और गुड लुकिंग के अलावा और क्या, मतलब बैंक बैलेंस मैटर करता है लड़के का? नहीं करता. क्यों, तुम्हारा कोई प्राइम मिनिस्टर योजना में कुछ बैंक अकाउंट खुला है क्या, या सब्सिडी आती तुम्हारे हर महीने, उसी ने खोला? यू आर ऑलरेडी डेटिंग समवन, जा बेवफा, जा यार, जा बेवफा, उसी ने खोला है. कि एक लड़की एक लड़के में क्या देखते सबसे पहले, अगर वो उसको प्रपोज करता है तो लड़की क्या देखते सबसे पहले? ऑफ कोर्स इसकी पर्सनालिटी देखेंगे, कि सबसे पहले के सामने से भी अभी प्रपोज करना है किसी को, हाँ. तो गुड लुकिंग है तभी प्रपोज करेगा. लुक्स देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं गुड लुक्स है बनने का, सेकंड क्या देखते हैं लड़की फिर उसमें? नेचर. वो नेचर कहाँ दिखता है, मतलब यहाँ पे कहीं लिखा हुआ होता है क्या यहाँ पे नीचे? नहीं नहीं प्रेजेंटेशन की बात है, मतलब वो फर्स्ट टाइम मिला है ना कोई आपसे, तो आप उसको जानते भी नहीं हो, ठीक है, तो उसका नेचर कैसे जज करोगे तुम? ऑफ कोर्स दूसरों से बात करते हुए जज कर लेंगे किस तरह से बात कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, बात करने से भी नेचर. तो गाइस टिप्स. अच्छा तो एक लड़की में सबसे पहले क्या दिखते हो? मेरा तो बस यही है कि नेचर अच्छा होना चाहिए और केयरिंग, खत्म. नेचर अच्छा होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, बस खत्म, इतना और कुछ नहीं चाहिए. और कुछ में गर्ल्स को यही चाहिए होता कि गर्ल्स की रिस्पेक्ट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये पॉइंट मैं ढूंढ रहा था, तो गर्ल्स की रिस्पेक्ट. हाँ और क्या लगता है कितने परसेंट बॉयज करते हैं गर्ल्स की रिस्पेक्ट? मे बी 35% रिस्पेक्ट करती लड़कियों की. थू है हम लड़कों पे, थू है हम लड़कों पे. अच्छा तो आपको क्या लगता है कितने परसेंट लोग करते हैं लड़कियों की वो क्या बोलते हैं उसे, रिस्पेक्ट? हाँ 55%. ये देख रहे हो, यहाँ खड़े होके भी अच्छा लग रहा है मेरे को, 55 बोला. No idea, मैं ऐसे जज नहीं कर सकती ना, कैसे पता चलेगा. अच्छा मान लेते हैं लड़के के पास अच्छा बैंक बैलेंस है या नहीं है, इससे फर्क पड़ता है क्या रिलेशनशिप में? नहीं, इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बंदा केयरिंग होना चाहिए. हाँ मतलब वो भले ही तुम्हें एक टूटे सी छत वाले घर पे रखे, मतलब सेकंड टाइम ओबियो. अच्छा मतलब बैंक बैलेंस बिल्कुल मैटर नहीं करता है? करता है मतलब कितना होना चाहिए बंदे का बैंक बैलेंस, मतलब 10-12 रुपए होने चाहिए जेब में? नहीं, वो तुम्हारी नीड्स फुलफिल कर सके, इतना बैलेंस होना चाहिए. क्या नीड्स होते हैं लड़कियों की? 10 रुपए तो तुरतुरे चाहिए होते हैं लड़कियों को.
और क्या होता है? अच्छा लड़कियों की बेसिक नीड्स क्या होती है? आईलाइनर, मस्कारा, फाउंडेशन, ये बेसिक नीड्स नहीं है। ओह वैसे हम नर्सेज हैं तो हमारे लिए बिल्कुल बेसिक नीड नहीं है। तो मतलब स्टेटोस्कोप होना चाहिए बंदे के पास? नो क्या जी, सीजर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैंड में ग्लव्स होने चाहिए ब्रो, ग्लव्स, स्टेटोस्कोप एंड थर्मोमीटर, है ना? और वो हम खुद अरेंज कर सकते हैं, वो खुद अरेंज कर दो। बेसिक नीड्स क्या है एक लड़की की? बेसिक नीड्स क्या है, अगर हमें कुछ, अगर जैसे आप बोल रहे हो लड़का ने प्रपोज किया तो एटलीस्ट इतना तो वो हो कि हमें खुश रख सके, या फिर अंडरस्टैंडिंग, जैसे एक वही बात आ गई कि अंडरस्टैंडिंग हो, खुश रख सके, ये बेसिक नीड है लड़की खुश रख सके। एक लड़की एक लड़के में क्या दिखती है? इंजीनियर तो फिर कौन नहीं देखेगी। सीरियसली यार बताओ कि सबसे पहले लड़की क्या देखती है सीधे सीधा? मेरे अकॉर्डिंग तो मतलब वो यही देखेगी कि उसकी नजरों में उसके लिए रिस्पेक्ट है कि नहीं है। मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो सेनोरिता, क्या तुम्हें क्या दिखता है? रिस्पेक्ट दिखती है। देख रहे हो? अच्छा और क्या दिखती है लड़की? और बाकी यही देखती है कि वो उस पर ट्रस्ट करे बिना कहे, मेरे अकॉर्डिंग तो बिना कहे वो उसकी बात समझ जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है। आई लव यू टू यार, बस कहो मत, मैं समझ गया, मैं समझ गया। अच्छा और कुछ? आई लव यू थ्री। देख रहे हो, देख रहे हो। हाँ अच्छा और बस ये इतना ही था? मैटर नहीं करता कुछ ज्यादा, मतलब ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता बंदा कि हाँ अगर जैसे अगर तस्वीर जैसे कि आपने पूछा कि बैंक बैलेंस मैटर करता है तो शायद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करता है, ज्यादा नहीं, ऐसा भी नहीं कि बहुत हाई फाई चाहिए, लेकिन ये तो फाइनल सेटल्ड हो, 10-12 रुपए हो बंदे की जेब में, 10-12 रुपए भी चलेंगे कि एटलीस्ट अगर मुझे भूख लगे तो कुरकुरे तो आगे दे दे, तुरतुरे 10 रुपए दे तुरतुरे और 2 रुपए के पल्स, चले फिर चलो, इतने तो है मेरी जेब में यार। तो गाइस आई फाउंड वन, यार इतनी सारी क्यूट सारी लड़कियां यार। तो अच्छा अब तुम ही बोल दो क्या करना है मेरी जनता को? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। कमेंट क्या करेंगे, अच्छे लग रहा है। तो गाइस डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, अनसब्सक्राइब। तो गाइस डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको इनमें से लड़की कौन सी पसंद आई है और द्राक्टा जी के लिए कौन सी वाली बेस्ट है, ठीक है? एंड उसके बाद गाइस आई होप तुम्हें पसंद आई होगी ये वीडियो, कमेंट करो कि तुम और क्या देखना चाहोगे इस चैनल पे, एंड टिल देन बाय, चलें चलते हैं चलो।